हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है डैशिंग दुबई। और दोस्तों, आप सबकी रिक्वेस्ट की वजह से मैं इस राउंड अबाउट के ऊपर भी एक वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि राउंड अबाउट में जो एंट्री और एग्ज़िट करना है वो काफ़ी आसान होता है, बस कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको 2 से 3 मिनट में बता दूंगा कि राउंड अबाउट जो है वो किस तरह से हमें करना चाहिए कंप्लीट, और उसके लिए अपना अप्रोच क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि हमें किस दिशा की ओर जाना है, मतलब हमें लेफ़्ट जाना है, हमें राइट जाना है, हमें स्ट्रेट जाना है, या हमें यू टर्न से वापस उसी रास्ते पर आना है। तो सबसे दोस्तों पहले यही मैं बताऊंगा कि आपको आपकी स्ट्रेटजी जो है वो राउंड अबाउट के काफ़ी पहले डिसाइड करनी होगी, क्योंकि राउंड अबाउट के पहले ही आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाती है कि आपको कहाँ जाना है। सबसे पहली बात दोस्तों, जब भी आप राउंड अबाउट पर आए तो जो आपके लेफ्ट हैंड साइड से जो व्हीकल आ रहा है, जैसे ये ग्रीन व्हीकल अभी आया, तो उसको पहले जाने दें और उसके बाद में राउंड अबाउट एंट्री आपने करनी है। ओके दोस्तों, और ये जो मार्किंग है दोस्तों, इसे भी ध्यान में रखना। अगर आपको स्ट्रेट जाना है तो आप इसी 2 लेन से जा सकते हैं, अगर आपको राइट जाना है तो इसी 2 लेन से जा सकते हैं। कभी कभी लेफ्ट का भी डेडिकेटेड इसी तरह का एरो होता है, अगर नहीं है तो आपको जो फर्स्ट वाला है इस केस में, तो आपको अगर लेफ़्ट जाना है या अगर आपको यू टर्न करना है तो आप ये फर्स्ट वाला रो यूज़ कर सकते हो। चारों दिशाओं में हम जा सकते हैं राउंड अबाउट से। तो जैसे आपने पहले सोच लिया, उसके बाद में आपको उसी अप्रोच से आपको यहाँ पर आना है। तो चलिए दोस्तों, आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपको राइट जाना है तो किस तरह से करना है। तो जैसे ही राइट जाना है आपको, तो राइट का जो लेन है उस लेन में आप आ जाए जहाँ पर आपको राइट का इंडिकेटर दिखाई देगा हो। तो आप राइट हैंड साइड से पहली लेन की ओर ही लगभग शायद ये होता है, तो भले ही 2 हो या 3 हो, और उसके बाद में आपको राइट इंडिकेटर भी दे देना है। और लेफ्ट हैंड साइड से कोई गाड़ी अगर नहीं आ रही है तो राउंड अबाउट क्लियर है, तो इसका मतलब आप जा सकते हैं। तो आप तुरंत ही राइट एग्ज़िट ले सकते हैं दोस्तों। ओके, ये बहुत ही सिंपल होता है। अब अगला एग्जांपल हम देखते हैं, अगर आपको जाना है स्ट्रेट, तो स्ट्रेट की लाइन में सबसे पहले आपको आना है। ओके, अगर यहाँ पर दोनों जगह पर दिया हुआ है एरो की, तो आप दोनों में से किसी भी लाइन में से जा सकते हो, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर आपका ब्लू कार है तो आप राइट से सेकंड में आए थे, तो आपको राइट से सेकंड में ही आना है, और राइट के सेकंड में ही आपको एग्ज़िट भी करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ग्रीन कार जो है वो आपके साइड वाला जो रो है उसको यूज़ कर रही थी। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों ध्यान में रखनी है। अगर आपको अभी जाना है लेफ्ट साइड की तरफ, तो यहाँ पर जो 2 या 3 लेन का जो होता है, तो उसमें शायद राइट से दूसरा या तीसरा ही होता है, या फिर लेफ्ट से पहला होता है डेडिकेटेड अगर नहीं है तो। तो वैसे ही आपको देना है लेफ़्ट इंडिकेटर, उसके बाद में आपको लेना है टर्न उसी लाइन में। ओके, लेफ़्ट से अगर आपको जाना है तो लेफ़्ट साइड से ही आपको टच करके जाना है, और जैसे आप अपने रोड के सामने अपनी कार खड़ी कर देते हैं तो आपको देना है राइट इंडिकेटर। तो जब भी आप राउंड अबाउट से एग्ज़िट करें जिस रोड से, उस रोड से तुरंत पहले आपको देना है राइट इंडिकेटर। तो जैसे दोस्तों देखिए, मैं एक बार आपको बताता हूँ, अगर आपको यू टर्न लेना है तो आपको वही करना है। देखिए, लेफ़्ट इंडिकेटर आपने दिया है, अब इस रास्ते से आप क्रॉस हो जाएंगे, उसके बाद में आपको निकलना है राउंड अबाउट से। ये हो गया आपका यू टर्न, और आपने दे दिया राइट इंडिकेटर, और आप यहाँ से निकल गए राउंड अबाउट के बाहर।